कल जिसका इंतकाल हो गया है वहीद मियाँ का, वो मेरे फूफा लगते हैं। और नासिर उस्ताद आज आके घर वालों से बात करके, ये मेरे भाई हैं, उनके वाले साहब इंतकाल जिसका हुआ है, और उन्होंने आके को नुकसान पहुंचा है, तो ये सारे मामलात भी कॉरपोरेशन को और तहसील को देखना चाहिए और फौरी तौर पर मुआवजा वो लोगों को पहुंचना चाहिए। ये तमाम तर मामलात जिस वजह से होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के सही तरतीब ना होने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से होते हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम आज भी बहुत ही चरमराया हुआ है, सही अंदाज़ से हमारा ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करता है। जो ही थोड़े वक्त की भी मूसलाधार बारिश होती है उसका नुकसान आवाम को भुगतना पड़ता है, ऐसे हादसात हो जाते हैं जिसमें मौत भी हो सकती है। तो कॉरपोरेशन को और यहाँ की MLA मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा को और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, यहाँ के KKRDB के चेयरमैन को, यहाँ का जो निज़ाम है
उसको सही करने के लिए गौर फिक्र करना चाहिए और अच्छे से अच्छे पैमाने पर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रोडों की जो तामीर है उसको सही अंदाज से करने की कोशिश करनी चाहिए। यूजीडी हमारा चरमराया हुआ है, यूजीडी को सही करने की ज़रूरत है। आप अभी भी हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, यहाँ पर कल की बारिश में बहुत सारे हालात ऐसे देखने को मिल रहे हैं आसपास के कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आया हुआ था, पानी भरा हुआ था लबालब, जिसकी वजह से घरों में भी पानी आ गया। बहरहाल बात ज़रूरी इस किस्म की है कि ड्रेनेज सिस्टम को और यूजीडी को और रोड के कंस्ट्रक्शन को सही करना है। तो इसके लिए ये तमाम तर एमएलएस को और केकेआरडीबी के चेयरमैन को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को, ये सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।